चेंज होता है, अगर आपके शरीर से अगर कोई अंग निकल जाता है तो जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आ सकता है। लेकिन समय अगर आप सही है, आपको बार बार मौका मिलेगा ड्राइव करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो फिर से युवा साथी आप जब भी ड्राइव कर, देखिए ड्राइव एक्सीडेंट कैसे होता है, जरूरी नहीं है कि आप और आप आपकी बात देखना शुरू कर चुके हैं। और हमारे साथ है जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 26 के जिला पार्षद के प्रत्याशी। चलिए मैं इनसे इनका परिचय और इनके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं आपके चैनल माध्यम से मैं आप सभी तमाम जो भी श्रोता दर्शक हैं, मैं आप सर झुका कर प्रणाम करता हूँ। और क्या जानकारी सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और आपने राजनीति में आने का सबसे बड़ा निर्णय क्यों लिया? जी, मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता है, उर्फ राजू, राजू नाम से काफी लोग जानते हैं, और दिनेश कुमार गुप्ता जो सर्टिफिकेट पे नाम है। तो सबसे पहले जो राजनीति में आने का बात है, इस पर मैं आपको मैं बताऊंगा कि जब 5 साल पहले मैं बाहर रहता था, मैं इलेक्ट्रिशियन से ITI भी किया हूँ और मैं जॉब कर रहा था। तो मैं जब घर पे आया तो मैं छोटा सा एक कंप्यूटर प्रिंटर लेकर घर पे बैठा, तो सिर्फ कि मुझे फिर चले जा रहा था बाहर। तो उस समय काफ़ी समस्या आने लगी कि आधार कार्ड नहीं है, बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, और लोगों की जो जानकारियाँ थी नहीं थी कि आधार कार्ड बनता कहाँ है, उसका प्रोसेस क्या है। उसके बाद से हमने देखा कि जितने भी बुजुर्ग हैं, दादा हैं, बाबा हैं, या जी लोग हैं, उन लोगों के पास समस्याएँ ये हैं कि 58 साल उम्र हो गया, जिससे 58 साल में पेंशन मिलना चाहिए महिला बुजुर्ग को, और 60 साल में मिलना चाहिए पुरुष को। लेकिन अभी भी ऐसी समस्याएं हैं कि 40% जिनको मतलब जिनका एज हो गया है 60-58 पेंशन से वंचित है। जिन या तो पेंशन पाने के लिए क्या होना चाहिए, आधार कार्ड में नाम, वोटर आई कार्ड में और खाता में, तीनों में एक नाम होना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपने क्या प्रयास किया? इसके लिए हमने प्रयास किया, ये समस्याएं देखी तो हमने जो समस्याएं थी, पहचान पत्र में नाम गलत था तो उसको ऑनलाइन करके उसको सही करके फिर खाता में ये करवा के हमने जो भी मेरे पास था जो भी जानकारी में वो हमने किया। उसके बाद में आधार कार्ड मेरे पास पहले बनता था, तो हम लोगों ने आधार कार्ड बनाना शुरू किया और बनाया काफी, फिर बाद में ये सरकारी ब्लॉकों पर बनने लगा। तो जानकारी के अभाव में बहुत सारे ऐसे बच्चे रह गए थे जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा था आधार कार्ड के लिए। हमने फॉर्म मुहैया करना शुरू किया कि फॉर्म भर के देना शुरू किया, फिर जगह बताना शुरू किया कि आप बरौली जाइए, आप मोहम्मदपुर जाइए, आप ये सारी चीजें आपने फ्री में किया? नहीं जी, बिल्कुल, जो मैंने फॉर्म दिए, जो मैंने बताया, काफी कुछ लोगों को तो मैंने खुद पहुंचाया, सेंटर तक पहुंचाया कि आप आधार कार्ड बनवाइए, और फॉर्म भी दिया, ये कुछ मैं फ्री में किया। कितने साल से? 5 सालों से मैं इस 5 साल से फ्री में करते आ रहे हैं। मैंने जो दुकान के से हटके जो काम है, दुकान से जो हटके जी, जो फॉर्म लेना तो फॉर्म फ्री में दे देते हैं, आप जाइए चाहे ले जाकर पहुंचा देना है, बताना, ये सब कुछ भी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में, और ये समस्याएं हैं ये हमने सॉल्व किया। उसके बाद भी जहां कहीं भी सोशल वर्क होता है, जो कुछ सोशल समस्याएं हैं, सामाजिक मुद्दा है, वहां पे एक ऐसे नेचुरली मेरे अंदर ऐसा ही होता है कि वहां पे मुझे जाना चाहिए, जबकि मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं ये सब चीजें करूं। मैं अपने घर वाले में कौन कौन, मेरे पापा, मेरी माँ नहीं है, मेरे पापा, चाहे पत्नी, सभी लोग बोलते हैं कि आप क्यों दूसरे के लिए समय व्यर्थ में वेस्ट करते हैं, अपना देखिए। लेकिन मुझे अंदरूनी कुनौती तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं, किसी की समस्या है तो वो सॉल्व होना चाहिए। तो फिर हमने आगे आना शुरू किया, तो लोगों से जुड़ के मुझे जब भी किसी का काम होता था तो लोग कुछ मुझे अच्छा बोलते थे, ये मुझे अच्छा लगने लगा। तो फिर साथ लोग ऐसा करते करते लोगों के साथ में रहना मेरी एक जिंदगी सी बन गई है, और ये पॉलिटिक्स से अलग है, और इसको मैं करना मुझे अच्छा लगता है, समस्या में करता हूँ इसी के साथ। क्या आपको 2 बजे रात को किसी का कॉल आता है, किसी की मदद के लिए क्या पहुँचते हैं? बिल्कुल भाई, मैं 2 बजे नहीं, जब 2017 में बाढ़ आया था, ये कल्याणपुर मठिया जो गांव है, सुरमा गांव है, तो जब बाढ़ आया मुझे मालूम चला, महम्मदपुर में था, तो उस समय मैं इधर मठिया सुरमा गांव लोगों को मैंने सूचित किया, और यहां तक जब लोग रोड पे आ गए, हम लोगों ने बढ़िया के पास में जो भी युवा साथी हैं, सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम कहीं खड़े होते हैं तो युवा लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता है, और मैं सभी युवा भाइयों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी खड़े रहते हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं, मैं आपके साथ खड़ा रहता हूँ। तो लोगों को अंदर से रोड पे लेके आना, गाड़ियों को वहाँ पे स्टॉप कर दिया गया कि आप आगे नहीं जा सकते हैं,
जो भी मवेशी थे मवेशियों को बाहर लेकर आना। रात तक करीब मेरे, मैं बता रहा हूँ कि मेरे घर से मेरे पापा जी का कॉल, मेरी पत्नी को कॉल कि आप रात में क्या कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने। लेकिन हमने पानी में मोबाइल लेके गए थे क्या? मोबाइल पास में था, पानी में गए थे आप? बिल्कुल, जब बाढ़ आ रहा था तो मोबाइल पास। कितनी कम और कितनी तक पानी थी? नहीं, जब शुरू में जब बाढ़ आया था तो उस टाइम तो रात में करीब 10 बजे पानी पूरा रोड तक लेवल में आ गया था। आप रोड पे थे या रोड के अंदर थे? अंदर भी थे और रोड पे भी थे, सब हमें देखा। अंदर जा रहे थे तो मोबाइल लेके जा रहे थे? बिल्कुल, पास में मोबाइल था। कैसे? मोबाइल हाथ में होता था, पॉकेट में होता था, और उसके बाद आप क्या लेते थे? लोगों को फिर उसमें बताना कि आप लोगों को हेल्प करना, और फिर सबसे बड़ी बात मेरी पत्नी आप लोगों के साथ ऐसा रात भर अपना घर नहीं देखते हैं। लेकिन मुझे जब भी ऐसा कोई मुद्दा होता है सामाजिक चाहे कोई से होता है तो मुझे अपना नहीं दिखता है, मुझे उस टाइम दिखता है कि कैसे मतलब लोगों में कितना से कितना कमा सकूं। ये मेरी कुदरती एक हेल्पिंग नेचर है, और उसके बाद से मुझे लोगों से जुड़ना शुरू हुआ। जब भी इसके एक और मटिया, उसी टाइम में मटिया का जो बहिमा मटिया है NH28 पे है, बाढ़ आया और एक साइड से बाढ़ के द्वारा टूट गया पुल, करीब 3 महीने हो गए पुल टूटे हुए। लेकिन सरकार के कोई भी व्यक्ति उस पुल को आकर 3 महीने की मरम्मती का हुआ ही नहीं। फिर उस कारण NH28 जो है मलबरी मोड़ से लेकर बरीमन तक सिंगल हो गया था, जिस कारण इतनी सारी एक्सीडेंट होने शुरू हो गई थी कि आए दिन है मलबरी मोड़ पर एक्सीडेंट, बरीमन के एक्सीडेंट। हमने सिवली थाना प्रभारी जो संजय पासवान हैं और फिलहाल में बहुत अच्छे हैं, उनसे कहा कि हम लोगों ने बोर्ड लेके आया, बोर्ड लगवाया, अनुमेय के बोर्ड लगवाया, उससे भी नहीं रुका। तो हर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट, हर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट। अंतोगत्वा एक सरिया के व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से हम लोगों ने ठान लिया कि अब तो ये रोज एक्सीडेंट हो रहा है, कोई इस पर सुन नहीं रहा है। हम लोगों ने एक अनशन दिया, और उस किसको दिया मतलब जैसे कि आपने ठाना किया हम लोगों को एक अनशन करना चाहिए जी, तो ऐसे दिमाग में होगा कि किसको दिया, मतलब जिला स्तर पे दिया या ब्लॉक स्तर पे दिया? नहीं, जो अनशन दिया वहाँ पे मोहम्मद प्रधान अनशन दिया या अनशन का कोई अनशन का प्लान किया हम लोगों ने, ऐलान किया, जिसमें मोहम्मद प्रधान प्रभारी थे और अपने सूर्य थाना प्रभारी संजय पासवान जी थे। हम लोगों ने बात रखी इन्हें जिखाई के विक्रम वहाँ पे कर्मचारी आए थे, हमने बात रखी कि 24 घंटे के अंदर अगर स्कूल का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया तो हम लोग शांतिपूर्वक अनशन पर बैठेंगे, और हम लोग मांग करेंगे कि आखिर NH28 3 महीनों तक स्कूल का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया तो किसकी, जिसमें एक NH28 के जो कर्मचारी तो बोले कि इसका तो नहीं, क्या बोलते हैं कि नहीं हुआ है, मतलब पुनर्निर्माण करने की राशि उपलब्ध कराई नहीं गई है, आखिर किसके दस पे तोड़ा गया कि पुनर्निर्माण करने की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। तो हम लोगों ने मांग की कि जो भी NH28 के दोषी पदाधिकारी होंगे जिनके वजह से मतलब तोड़ा गया और पुनर्निर्माण नहीं कराया गया उनको पर कार्रवाई हो, और जो अनजान व्यक्ति हैं, जो लोग बिल्कुल जिनका इसमें कोई कसूर नहीं है वो लोग मारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे को हमने उठाया, हमने इसकी परवाह नहीं की कि मेरे ऊपर FIR हो जाएगा चाहे हमके कोई, हम लोग लोकहित में आकर इतना बड़ा कदम उठाया, और 24 घंटे के अंदर अंदर अगले दिन करीब 11 बजे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ NH5 के जो भी कर्मचारी उनको कि 11 बजे तक दिन में एक पुल चालू हो गया, उसके बाद से दुर्घटनाएं हैं बंद हो गया। उसके बाद से हमने एक मुहिम चलाया, सालों साल से मुहिम चलाया, उसमें हमने काफ़ी पैसे खर्च किए हैं। हमने जो भी मतलब किस प्रकार का मुहिम, जैसे कि सड़क दुर्घटना के लेकर या किसी और सड़क सुरक्षा, जो ये सड़क सुरक्षा है जो रक्षा अभियान जो है उसमें मैं पंपलेट छपवाया हूँ, उसमें जो भी युवा साथी हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी युवा हैं अभी का जो माहौल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी युवा साथी हैं जिनका एज 16 से 25 है वो तेज गति में गाड़ी तो चलाते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं पता है कि हम अगर तेज जा रहे हैं तो आखिर उसका मतलब क्या है। और जो भी दुर्घटनाएं होती है उसका मेन कारण यही होता है तेज गति और जल्दबाजी। कंट्रोल करने के लिए कोई आपने कोई ऐसा प्लानिंग किया जो बच्चे को समझाया जाए, जो बच्चे 16 से 25 साल की उम्र के हैं जो तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं जिससे आए दिन रोज ना रोज दुर्घटना होता ही रहती है, तो उसके लिए आपने कोई ऐसा स्कीम बनाया? जी बिल्कुल, हमने एक फॉर्मेट तैयार किया और प्रेस के द्वारा उसको छपवाया, और कितने हजारों फॉर्मेट हम लोगों के सामने मतलब रोड पे खड़े होकर बांटे, घूम घूम कर बांटे,
यहाँ तक कि गोपालगंज में भी बैठे, बरौली में, पूरे जिले में। और मेरा यह अभियान है पूरे में बिहार, पूरे भारतवर्ष के लिए मेरा अभियान है। मेरी ये चाहत है कि जो भी युवा है वो मतलब बिना अगर रीजन जान जाएंगे कि हम तेज गति क्यों चला रहे हैं तो फिर एक्सीडेंट कम हो जाएगा। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहली बात कि जो व्यक्ति चला जाता है दुनिया से उसकी कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता है, ये और भुगतना पड़ता है घर वालों को। तो मेरे जो उसमें मेन कारण बताएं कि अगर आप 60 की स्पीड से चलते हैं, 60 की स्पीड से नॉर्मली आपको 1 मिनट 1 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, अगर आप 100 की स्पीड से चलेंगे तो 1.5 किलोमीटर तय कर लेंगे, तो आपके पास समय क्या क्या हो गया, मात्र 30 सेकंड, मान लीजिए 1 किलोमीटर में 30 सेकंड का फासला, आप उस 30 सेकंड में क्या कर लेंगे। अगर आप लोग पार्क में जाते हैं यहाँ से 60 की स्पीड से तो आपको हो सकता है 25 मिनट लगता है, 100 की स्पीड से आएगा तो आपको 18 मिनट लगेगा, आप 7 मिनट में आखिर कर क्या लेंगे। मेरे जो युवा लोगों का जो संदेश है कि आखिर आप तेज गति चल रहे हैं 7 मिनट के लिए चल रहे हैं ना, 7 मिनट के लिए आप इतनी तेज तेज गति जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है इनके लिए जो इनकी सोच है, 7 मिनट यानी अगर आप गोपालगंज में 60 की स्पीड से यहाँ से जाते हैं जी तो कितना देर, 25 मिनट लगेगा, 25 मिनट लगेगा। अगर वही स्पीड 100 होती है, 100 होती है 18 मिनट, तो 18 मिनट लगेगा मैक्सिमम जी। तो ये 7 मिनट में आप क्या कर लीजिएगा, ये बहुत बड़ा मैसेज होगा राजू जी की तरफ से, जो इन्होंने बहुत बड़ा मिशन चलाया है, इसके लिए कोई सरकारी मदद आपको मिल रही है? नहीं, हम जो अभी जो पंजन में जो डीएम साहब हैं, मैं उनको एक दरख्वास्त दिया था, दरख्वास्त माध्यम से हमने अनुमति ली थी कि हम ये जो दुर्घटनाएं हो रही है, क्योंकि कहीं भी कोई शो करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए और भीड़ इकट्ठा करने के लिए सरकारी प्रशासनिक अनुमति चाहिए, जो मैंने ले रखी है, हमको स्वीकृति भी मिल गई है। लेकिन इसके बाद से जब भी मैंने लोगों को समझाया, जो भी मेरे युवा साथी है उनको ये अच्छा लगा, और तब से युवा साथी जो भी है मेरे साथ जुड़ना शुरू हो गए थे। तो अभी भी मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि साथियों, मात्र 7 मिनट, जो 7 मिनट समय है, आप कहीं देर तक सोकर उठते हैं, टाइम मोबाइल पर बात करते हैं इतना 10 मिनट 20 मिनट टीवी देख लेते हैं, वो समय अगर आप गाड़ी पर चला रहे, पबजी खेल लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जब आप बाइक पर बैठते हैं तो आपको लगता है कि नहीं मुझे पहुंचना ही है, तेज गति फैशन नहीं है, ये जानलेवा एक मतलब मानसिकता है। ये युवा पीढ़ी के अंदर आ चुकी है, तेज गति मुझे तेज चलाना, मैं इतना तेज चलाता हूँ, मैं 100 तक गया था, मैं 102 तक गया, और इसको लोग वीडियो भी बनाते हैं जी, तो इसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल उन युवाओं के लिए कुछ सब बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता हूँ कि अगर आप 100, 150, 120 किस्म चलाते हैं, अगर भाई मेरे आप एक्सीडेंट होता है, अगर आपके शरीर से अगर कोई अंग निकल जाता है तो जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आ सकता है। लेकिन समय अगर आप सही हैं, आपको बार बार मौका मिलेगा ड्राइव करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो फिर से युवा साथी आप जब भी ड्राइव कर, देखिए ड्राइव एक्सीडेंट कैसे होता है, जरूरी नहीं है कि आप आपकी गलती से एक्सीडेंट हो जाए, जब भी एक्सीडेंट होता है तो दूसरे की गलती की वजह से आपका एक्सीडेंट होता है, आप सही जा रहे हैं कोई बैग निकल के आ गया, आपके पास समय नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो आप उसको मारोगे नहीं तो उसको मारोगे, आप कंट्रोल में रहेंगे 60 स्पीड में रहेंगे तो कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को बचा लिए, उसको बचा लिए, तो आपका तो लाइफ बचा ना। तो इसलिए ये मैंने मुहिम चला रखी है कि जो एक्सीडेंट हो रही है ना हो, और ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, 5 सालों के अंदर में काफ़ी जो सोशल वर्किंग होता है, आप कहीं भी सोशल वर्क हो, सामाजिक मुद्दा हो, अगर मेरी जानकारी में अगर हो मैं वहाँ पे ना जाऊँ ऐसा नहीं हो सकता। ये रहा सड़क सुरक्षा कैसे होता है, इस चीज को फिर से कोई दोबारा अगर रजिस्टर करना चाहे तो उसके लिए ये करना पड़ेगा, आप आ जाएंगे वोट मांगेंगे और कल फिर आप यहाँ से नहीं दिखेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपको रंजित करना है तो रंजित को आप एक व्यापार के माध्यम से नहीं, आपको एक सेवा के माध्यम से इस रंजित में उतरना पड़ेगा, तब जाके आप रंजित कहीं सफल होंगे। लास्ट सवाल रहेगा आपसे, अगर पार्टी बेसिस पे अगर जिला परिषद के चुनाव होती है तो किस पार्टी की तरफ आप झुकाव करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब से मैं 5 सालों में मेरा यहाँ से घर के रहना तो राजनीति में मेरा झुकाव हुआ है, तो ना मैंने कभी कोई पार्टी ना कोई जाति धर्म मैंने नहीं देखा है, जो भी मुझे मिले हैं, जिसका भी मुझे जब भी वक्त मिला है, जो कोई भी है, कोई धर्म हो, कोई जाति, कोई पार्टी हो, मैं उनका हर संभव कोशिश किया हूँ उनकी समस्याओं का समाधान, यही मैं कहना चाहूँगा। मेरा प्रश्न वो था कि आप किस पार्टी के तरफ जाएंगे? नहीं अभी तो ऐसा कोई मेरा निर्णय नहीं है, और अभी पार्टी विशेष में चुनाव नहीं हो रहा है, तो जब ऐसा समय आएगा तो उसके लिए भी निर्णय लिया जाएगा। अभी अंत में आपका परिचय? मैं मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता है, मैं क्षेत्र संख्या 26 बरौली से जिला परिषद प्रत्याशी हूँ, और मेरा घर मधुबनी पंचायत में पड़ता है।
जी धन्यवाद। और आप देख रहे थे आपकी बात, दीपक सिंह कश्यप कैमरामैन।